असम का हिस्ट्री अगर जानना है ना तो यहाँ आ जाना। अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सांप सीढ़ी। आओ बरूरी नहीं काली गई लाई गोठरेली मां। अबे हम लोग का गर्लफ्रेंड का नाम सोनी नहीं है ना। हां ओ बोया हम बोल रहे हैं बाहर से इधर से ना स्टारबक्स का जो डब्बा होता है ना वो उठाता है और बाहर से पांच का चाय लेके आता है भाई। उधर मिला के मस्त लगे खेला कालो कुंवारेली माय पीपालू हागे मां जय। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे गाइस। और बहुत दिन के बाद मैं ऐसा करके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ और दुर्गा पूजा का ब्लॉग का बात मेरे को मत पूछना गाइस, कितना ज़्यादा गाली आया इंस्टाग्राम में क्या ही बताओ। कि दुर्गा पूजा में मैं वीडियो ही शूट नहीं किया, शूट किया था बट एडिट नहीं किया, एडिट किया बट अपलोड नहीं किया, मतलब कुछ कुछ सीन हो गया था। कोई बात नहीं। सो अभी फ़िलहाल ना मैं आज का ब्लॉग क्या होने वाला कुछ भी नहीं पता, मैं टाइटल थंबनेल क्या लगाऊंगा कुछ भी नहीं पता, बस मन किया स्टार्ट करने का स्टार्ट करो। और अभी का टाइम हो रहा है 12:30 बज रहा है और अभी मैं चाय पी रहा हूँ क्योंकि रात को सोया था 2 बजे, बहुत कुछ काम, मतलब वो समझ रहा है ना आप लोग, बस वही। तो अभी फ़िलहाल ना मेरा घर पे रैबिट है तो उन लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, तो दिखाते हैं आप लोग को मेरा रैबिट को। पीछे रखा हुआ है बिकॉज वो जो पिंजरा है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये रैबिट बहुत ज़्यादा शैतान है, मतलब इसलिए इसको ना इसका नीचे रखा हुआ है। ये देखो गाइस। सो गाइस अभी मेरे को चाय पीना है, सो लेट्स सी चाय वगैरह पीता है और अभी शाम तक देखता है कहाँ जाने का प्लान होता है, कुछ भी नहीं पता। सो गाइस फिलहाल हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं ब्रह्मपुत्र हेरिटेज में जाने के लिए, तो इधर पे बाकी भाई लोग भी रेडी हो गया है, विशाल भाई और रिकी भाई। और क्वालिटी बताना क्योंकि फर्स्ट टाइम आईफोन से व्लॉग कर रहा हूँ, तो लेट्स सी जाते हैं उधर पे। तो उधर पे जाते हैं यार फोटोशूट करते हैं। और हाँ ब्रह्मपुत्र हेरिटेज मैं सुना बहुत सुंदर सा लोकेशन है, तो कुछ रील वील भी बनाएंगे हम लोग। तो फिलहाल इधर से टेम्पू पकड़ते हैं और उधर से बस, भाई इतना पैसा नहीं हम लोग उबेर में जाने के लिए, भाई गरीब लोग हैं हम लोग। तो फिलहाल जाते हैं भाई, बोलो जीत ब्लॉग, जीत ब्लॉग इग्नोर मार के चलेगा, कोई बात नहीं, चलो हम लोग जाते हैं। कालो किस्मा रेली माई बांधे कोरी बाना तिमलाई हृदय रेली माई बिताउला जीवाना। कालो किस्मा रेली माई बांधे। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग एंटर हो चुका है ब्रह्मपुत्र हेरिटेज के अंदर एंड लेट्स सी, बहुत सुंदर सा लोकेशन है भाई। तो इधर पे फिलहाल चेक कर रहे थे आप लोगों को इधर का सीन्स और सिनेमैटिक्स। तो गाइस इधर पे देख सकते हैं बहुत पुराना पुराना कैमरा, इधर पे जैसे कि इधर पे भी है, इधर पे भी है, एक इधर पे लिखा हुआ है कितना, मतलब पुराना है, आप लोग देख सकते हैं, इधर पे पढ़ सकते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। चेक दिस आउट गाइस, मतलब लाइक एक हाँ बोलने से एक डीसी का घर था कुछ। सो बप्पन भाई हम लोग का समझा देगा, बप्पन भाई अच्छा। सो गाइस अभी इसका बारे में अपना बप्पन भाई कुछ बोलेगा, लाइक मेरे को उतना तो पता नहीं। एंड मैं इसका पुराना फोटो दिखा रहा हूँ, इधर पे पहले कैसा था आप लोग देख सकते हो, ऊपर में भी है, पहले इस तरह का लोकेशन था। और भाई हाँ ये मतलब ये पहले हाँ मतलब क्या था, पहले डीसी का घर था। अच्छा कि जब और लाइक क्या बोलते हैं उसे, ये पूरा ट्रेडिशनल लुक दिया गया हम लोग का जो असम का है। इधर का जो जितना भी बुक है सारा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर में लिखा गया है। इस जगह का पहले का लोकेशन चेक करो कैसा टाइप का था, ऐसा टूटा फूटा मतलब लाइक ऐसा था। एंड अभी इसको पब्लिक के लिए म्यूजियम मतलब बना दिया, सब लोग आ सकते हैं, म्यूजियम टाइप का। चेक दिस आउट गाइस,
गाइज इस रूम के अंदर आप लोग जो देख सकते हैं कैसे धागा को तैयार किया जाता है, उधर में ऐसे लिखा मतलब दिखाया गया इधर का थीम, जो हम लोग का पाट मुगा कपड़ा जो बोलता है, जो असम का ट्रेडिशनल है, जो ट्रेडिशनल कपड़ा इधर पे दिखाया गया, इधर से ऐसे करके धागा को कैसे निकालने का प्रोसेस पूरा दिखाया गया इधर पे। सो गाइस इधर में जितना सारा असमीस लोगों का मतलब असमीस ट्रेडिशनल का क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, हाँ जितना इंस्ट्रूमेंट है ना, तो इधर पे हर एक इंस्ट्रूमेंट है। सो अभी आप लोग को एक एक करके दिखाता है। ये वाला यूज होता है उसमें नगाराना में, नगाराना में यस हाँ, और उधर पे खोल वगैरह है। इस ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पहले के ज़माने में बहुत यूज़ हुआ है और अभी भी यूज़ होता है पर थोड़ा सा कम। ढाक बोलते हैं, इसको ढाक बोलते हैं कि आप लोग का दुर्गा पूजा में ज़्यादा यूज होता है। ढाक है, अच्छा अच्छा। और डमरू इधर ये नागरा है असम का ट्रेडिशनल। इधर पे ढोल है, इधर पे देख सकते हो। हम लोग बजा सकते हैं क्या भाई? ढोल नहीं बजा सकते, नहीं बजा सकते। बहुत सुंदर सा लोकेशन है गाइस, अगर किसी को भी घूमना है ना, मतलब गुवाहाटी में जितने भी लोग घूमने के लिए आते हैं ना बाहर से, तो इस जगह में भी घूमना नहीं। अगर असम का हिस्ट्री अगर जानना है ना तो यहाँ आ जाना, बढ़िया। और क्या जानने के लिए तो बहुत कुछ है ना भाई, इधर में सीखने के लिए बहुत कुछ है। लाइक हम लोग को उतना तो फिर भी पता नहीं, लेकिन हम लोग रिसर्च वगैरह तो किया नहीं है, बट इधर पे भी चेक कर सकते हैं भाई। बहुत खतरनाक सा लोकेशन है, आप लोग ज़रूर से विजिट करना गाइस। जितने भी लोग बाहर से सोचते हैं जू वगैरह जाने के लिए, कामाख्या मंदिर, सब जगह में, बट इस जगह में भी आना, बच्चा लोगों को लेके आना खास करके, उन लोग कुछ सीख पाएगा ना जो लोग नया नया। अभी अभी हम कुछ चीज़ जगह मतलब ये तो पहले डीसी का घर था ना। अच्छा, डीसी का घर था तो ये मतलब ये जो अभी ये डीसी का मेन हॉल था, ये मेन हॉल था। बट पहले कैसा था, पहले कैसा था और अभी कैसा? अभी अभी एक तो एक चीज़ है कि यहाँ पे एक तो स्विमिंग पूल था, तो अभी जो वहाँ पे मतलब सब लोग मतलब खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो स्विमिंग पूल था पहले, उन लोग नहाता था मतलब। देखो स्विमिंग पूल, हाँ अभी स्विमिंग पूल दिखाता आप लोगों को, पानी तो है नहीं शायद से, स्टेज नहीं वो स्विमिंग। सो गाइस सब पहले ना ये स्विमिंग पूल था जो हम लोग को उतना नहीं पता, फिर भी अगर स्टेज बना दिया। अच्छा अच्छा, हम बोल रहे हैं बाहर से, इधर से ना स्टारबक्स का जो डब्बा होता है ना वो उठाता है और बाहर से पांच का चाय लेकर आता है भाई, उधर मस्त लगे ये। फिर हम लोग भी अमीर वाला चाल मारेंगे है ना। सच बता हमको खेलना नहीं आता, मतलब खेलता कैसे एक बार मतलब दिखा सकते। इसको उठा के अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा सांप सीढ़ी। आओ कुत्ता नहीं रहता, क्या नाम था उसका? अरे कुछ शिनचैन का कुत्ता का नाम क्या था? शीरो का हाउस। इधर पे बच्चा लोग खेलने के लिए लाइक मतलब बना के रखा है। हम लोग का कालू भाई भी ब्लॉग बना रहा है, जिंदगी में पहली बार उसको कालू भाई ओ भाई ओ भाई ब्लॉग का चैनल का नाम क्या है? कालू ब्लॉग्स। चैनल का नाम क्या है? कालू ब्लॉग्स। चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम। सो गाइस अभी फिलहाल अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं एंड अभी कुछ खाने के लिए शायद से जा रहे हैं हम लोग। और भाई झूठा बात भाई, लेकिन इधर पे ना टाइम स्पेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक आप लोग भी आ सकते हैं, सुकूनदार जगह है, मतलब वैसा नहीं कि शोर शराबा शो, मतलब एकदम आप लोग पार्क से तो ये बहुत ही मस्त जगह है, आप लोग आ सकते हैं गाइस। और
भाई क्या पीछे से कैसे बेइज्जती कर रहा है, बट इग्नोर करना, इतना चिल्ला रहा। रुको, सो अभी फिलहाल हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। आईफोन में भी चार्ज खत्म हो चुका भाई, चार्ज का तो कुछ पूछो ही मत। अभी मैं व्हाट्सअप का स्टेटस चेक कर रहा था और ये क्या लिखा, प्लीज सपोर्ट मी माई न्यू ब्लॉग। क्या है भाई, तुम कब से यूट्यूबर बन गया? अभी शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। वाह, लड़का का डायलॉग कम नहीं है लेकिन भाई, इतना फ्लैश मारो, इतना सुंदर अभी है भाई। कुछ सुना क्या आप लोग? भाई क्या बोलना चाहता है, क्या बोलेगा इसके लिए, क्या बोलेगा? नो वर्ड्स भाई अकेले। सो गाइस अभी नेहरू पार्क का सामने में हम लोग खा चुके हैं लास्ट में खाना खाने के लिए, और अभी फिर ब्लॉग को करेंगे एंड। और ये भाई तो भाई खा ही जा रहा है कुछ। इधर पे ले क्या लिया है भाई, चिकन पास्ता। कैसा है टेस्ट? ठीक है, तो फिलहाल खाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग का साथ। सेंटर से आने के बाद वीडियो का एंड करना भूल चुका था, और उसका बारे में हमको इतना नहीं पता क्योंकि गाइस उधर में स्कैनर होता है कि उधर में पूरा डिटेल्स आ जाता है, क्योंकि उधर में कोई गाइड वगैरह रहता नहीं है, तो उतना हम लोग माथाबाजी नहीं मारा। बट जितना भी मतलब सुना ना, तो सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोग बच्चा को लोगों को भी लेके जा सकते क्योंकि बहुत मस्त जगह है। अगर गुवाहाटी में आप लोग घूमने का प्लान कर रहे हो बाहर से, तो प्लीज़ उस जगह को भी विजिट करना। शुक्लेश्वर का थोड़ा सा आगे है, स्टारबक्स का बहुत बड़ा बोर्ड लगा उधर पे लिखा हुआ है बाहर पर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर कुछ गलत बोला तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि पता नहीं है हम लोग को उसका डिटेल्स पता नहीं है, एक्चुअली गाइड ही नहीं था ना, तो अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोल दिया। और वो जगह था लाइक सबसे पहले लासित बोरफुकन जो है, तो उन लोगों का मीटिंग वगैरह होता है कि डीसी सर, इसीलिए उसको डीसी बंगलो बोल के बोलते हैं। सो यही था कुछ स्टोरी, मतलब आप लोग जान सकते हो, जाके मज़ा आ सकता है। सो आप लोग भी चाहते हो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करना गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना गाइस।